स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में वाच्य के भेद और वाच्य परिवर्तन सिखाएंगे। ये हमारी क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा। तो वाच्य मतलब होता है कहने का विषय। क्रिया के जिस रूप से कहने का विषय करता हो, कर्म हो या भाव हो, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। तो बच्चों, वाच्य का भेद और वाच्य परिवर्तन करने के पहले सबसे पहले आपको कर्ता और क्रिया क्या होता है ये जानने पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया, तो सबसे पहले देखिए कर्ता। कर्ता क्या होता है वो आपको बता रहे हैं। काम करने वाला, जो काम करने वाला होता है उसे ही हम कर्ता कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, रोहन किताब पढ़ता है। रोहन किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ता है, यानी पढ़ना क्रिया, ठीक है। और किताब कौन पढ़ता है? रोहन। तो ये जो रोहन काम करने वाला कौन हुआ? रोहन। तो यही हो गया कर्ता। क्लियर? कर्ता समझ में आ गया कि जो काम करने वाला होता है वही होता है कर्ता। अब क्रिया, क्रिया क्या होता है? काम, जो काम होता है, जब कोई काम करने का बोध होगा तो वही हो जाएगा क्रिया। जैसे यहाँ पर पढ़ता है, पढ़ना यहाँ पर क्रिया हो रहा, इसलिए ये हो गया क्रिया। कोई भी काम जब करने का या होने का पता चले तब वो होता है क्रिया, ठीक है। अब ये क्रिया, वाच्य में आपको क्रिया का जरूरत पड़ेगा, तो चलिए हम क्रिया को जान लेते हैं। जैसे क्रिया, क्रिया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। एक सकर्मक हुआ और दूसरा अकर्मक हुआ। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, और अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं रहेगा। तो अब देखिए, आप कैसे समझोगे कि किसमें कर्म है और किसमें नहीं है, इसका भी एकदम आसान ट्रिक हम बताएंगे। देखिए, जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, ठीक है। तो यहां पर सकर्मक क्रिया में क्या करने होगा आपको? क्या और किसको से, क्या और किसको से अगर सवाल करोगे, अगर जवाब आएगा तो वो सकर्मक होगा, और जिसमें जवाब नहीं आएगा वो अकर्मक होगा। अब देखिए, मोहन क्या लिखता है? क्या, तो उत्तर आया कि मोहन पत्र लिखता है, ठीक है। मोहन किसको लिखता है, इसका जवाब नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, एक का जवाब आने से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखता है? पत्र लिखता है, यानी पत्र हो गया कर्म। इससे पता चला कि ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। और अकर्मक क्रिया होता अगर यहाँ पर कर्म हटा दिया जाता, केवल लिखा रहता मोहन लिखता है, मोहन खाता है, रोहन जाता है, तो यहाँ पर क्या और किसको से सवाल करने से जवाब नहीं मिलेगा, वहाँ वो अकर्मक हो जाएगा। इसी वाक्य को अगर हम लिखेंगे, मोहन लिखता है, तो यहाँ पर क्या से अगर सवाल किए कि मोहन क्या लिखता है, जवाब नहीं मिला। मोहन किसको लिखता है तो भी जवाब नहीं मिला। जब दोनों से ही जवाब नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा।
अब इसी के बेस पर हम पूरा वाच्य का भेद को समझ पाएंगे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। अब बच्चों देखिए, हम वाच्य का भेद को जानेंगे। वाच्य के भेद, पहला होता है इसका वाच्य का, तीन भेद होता है। कितना? तीन। पहले हो जाएगा कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। दूसरा होगा कर्मवाच्य और तीसरा हो जाएगा भाववाच्य। अब देखिए एकदम आसान ट्रिक के साथ आप सभी को समझाएंगे, ठीक है। कर्तृवाच्य, ये जो कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसमें क्या होता है, कभी कर्मवाच्य में लगता है के द्वारा, के द्वारा से आपको समझ में आएगा कि ये कर्मवाच्य है, या फिर द्वारा, या फिर से। भाववाच्य में से का प्रयोग होगा, ठीक है। और कर्तृवाच्य में ना ही के द्वारा, ना ही द्वारा और ना ही से रहेगा, तब आप समझ जाओगे कि वो कर्तृवाच्य है। जिस क्रिया में कर्ता प्रधान होता है वो कर्तृवाच्य होता है, ठीक है। और कर्मवाच्य में, अब देखिए के द्वारा और द्वारा हो गया कर्मवाच्य, लेकिन दोनों में ही हम बताए हैं से और से। अब आप कैसे समझोगे कि ये कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य। कर्तृवाच्य का तो आप समझ गए हो कि इसमें ना ही के द्वारा, ना द्वारा, ना से कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। कर्तृवाच्य में दो ही क्रिया हो सकती है, इसमें सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, ठीक है। इसमें दोनों होता है, जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, यहां पर से भी नहीं है और के द्वारा भी नहीं है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है, ठीक है, क्लियर। दोनों ही नहीं है तो आप समझ गए कर्तृवाच्य। अगर यहां पर लिखा रहता राम खाता है, राम खाता है या खा रहा है कुछ भी, तो भी ये कर्तृवाच्य होता, क्लियर, तो भी ये कर्तृवाच्य होता, क्योंकि यहाँ पर ना के द्वारा है, ना द्वारा है, ना से है, कुछ नहीं है। यानी आप कर्तृवाच्य को समझ गए होंगे कि जिसमें कुछ भी नहीं रहेगा, कर्ता प्रधान होगा, वो कर्तृवाच्य होगा। तो कर्तृवाच्य हो गया। अब हम आते हैं कर्मवाच्य में कि इसमें कैसे आप समझोगे कि ये कर्मवाच्य है। अब देखिए हम कर्मवाच्य और भाववाच्य को सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे मोहन के द्वारा फल खाया जाता है, तो यहां पर ये जो के द्वारा है, इसको देख के ही आप समझ गए होंगे कि ये कर्मवाच्य है। अच्छा बच्चों, अभी हम बताएं कि कर्तृवाच्य में दोनों क्रिया हो सकती है, या तो सकर्मक भी होगा या फिर अकर्मक भी होगा, लेकिन ध्यान दीजिए कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही होगा, केवल सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया होगा। और भाववाच्य में ध्यान रखिए केवल अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। आप देखिए सेम, ठीक है, माँ से खाया जाता है, और एक वाक्य ले रहे हम माँ से रोटी खाया जाता है। अब ध्यान दीजिए दोनों में ही से है। अब आपको समझना है कि किसमें कर्मवाच्य होगा, क्योंकि कर्मवाच्य में भी से होता है और भाववाच्य में भी से होता है।
अब आप कैसे समझोगे? यहाँ पर देखिए, माँ से खाया जाता है तो यहाँ पर कर्म नहीं है, ठीक है? माँ से क्या खाया जाता है? जवाब नहीं मिला। और माँ को क्या खाया जाता है? उससे भी जवाब नहीं मिला। और जब जवाब नहीं मिलता है क्या और किसको से, तो वो अकर्मक क्रिया होता है। तो यहाँ पर जवाब नहीं मिला लेकिन से है, यानी आपको समझने होगा कि ये अकर्मक क्रिया है। और जब अकर्मक क्रिया रहेगा और से रहेगा तो वो भाववाच्य होगा। क्लियर? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी से है लेकिन यहाँ पर जब हम सवाल करेंगे माँ से क्या खाया जाता है तो जवाब आया रोटी, यानी रोटी हो गया कर्म, यानी ये सकर्मक क्रिया। तो जब कर्म रहेगा और उसमें से होगा तब वो हो जाएगा भाववाच्य। भाववाच्य, क्लियर? और बाकी तो यानी भाववाच्य में से का प्रयोग होगा और वो अकर्मक क्रिया होना चाहिए। और कर्मवाच्य में द्वारा के द्वारा से भी होगा लेकिन वो सकर्मक क्रिया ही होना चाहिए। तो बच्चों, ये तीनों में आप समझ गए हो ये किस प्रकार से आप पहचानोगे कि ये कौन सा वाच्य है, यानी यहाँ तक आपको वाच्य का भेद हम समझा दिए। अब हम समझाएंगे आपको, चलिए, वाच्य परिवर्तन, जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि वाच्य परिवर्तन कीजिए, ठीक है? तो चलिए हम कुछ वाच्य परिवर्तन करना सीख लेते हैं। अब चलिए बच्चों, हम आपको वाच्य परिवर्तन करना सिखाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ फर्स्ट नंबर में सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो ये एक कर्तृवाच्य है क्योंकि यहाँ पर से के द्वारा द्वारा कुछ भी नहीं है, तो ये कर्तृवाच्य है। और यहाँ ब्रैकेट में दिया है आपको कर्मवाच्य में बदलने, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यहाँ पर कर्मवाच्य में आपको बदलना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, यहाँ पर हम द्वारा का प्रयोग किए इसलिए ये कर्मवाच्य हो गया, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर में मैं बैठ नहीं सकता, ये एक कर्तृवाच्य है। बच्चों, नहीं का प्रयोग भाववाच्य में होता है लेकिन याद रखिएगा उसमें से होना जरूरी है, अगर उसमें से नहीं है तो वो भाववाच्य ना होकर कर्तृवाच्य होगा। जैसे मैं बैठ नहीं सकता, इसको, ये कर्तृवाच्य है, इसको भाववाच्य में आपको परिवर्तन करना है। तो कैसे होगा? मुझसे बैठा नहीं जाता, ठीक है? मुझसे बैठा नहीं जाता। जैसे मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ, ये वाच्य का भेद बताइए, आएगा एग्जाम में मान लीजिए, तो क्या होगा? नहीं का प्रयोग हुआ लेकिन वो कर्तृवाच्य होगा क्योंकि उसमें से का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है? और वही वाला, मैं नहीं पढ़ती हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तब वो हो जाएगा, से का प्रयोग हुआ तब वो भाववाच्य होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य हुआ। नेक्स्ट देखिए, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी। और बच्चों, यहाँ पर काल भी देखा जाता है, यानी अगर वर्तमान काल में दिया गया है क्वेश्चन तो उसको आपको वर्तमान काल में ही बदलने होगा। अगर भूतकाल में दिया है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये भूतकाल है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, इसको आपको कर्तृवाच्य में बदलना है क्योंकि ये द्वारा का प्रयोग हुआ इसलिए ये क्या है? कर्मवाच्य है। अब देखिए, नानी कहानी सुनाती थी, अब यहाँ पर हम नहीं लिख सकते कि नानी कहानी सुनाती है, तब गलत हो जाएगा, इसमें आपको काल भी देखने होगा, क्रिया का काल क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर जाती थी इसलिए हम लिखे हैं नानी कहानी सुनाती थी। फोर्थ नंबर में अब चले, ये क्या है? ये कर्तृवाच्य है, अब चले, अब इसको भाववाच्य में बदलना है, तो क्या होगा?
अब चला जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वाच्य परिवर्तन करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चलिए आपको हम एक क्वेश्चन देंगे, अगर समझ में आया तो जरूर उसका रिप्लाई दीजिएगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दिए हैं, वाच्य का भेद बताइए, ये कौन सा वाच्य है बताइएगा। क्वेश्चन है, उससे उठा नहीं जाता। अगर बच्चों आप सभी को ये वाच्य समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर इसका आंसर दीजिएगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आ जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।